किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी। क्या निकल रहा है बीज का रास्ता? सभी फसलों पर MSP समेत विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने गन्ने की FRP 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र की कैबिनेट की बैठक की बड़ी बातें क्या थी। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी। 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी। गन्ने की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी। 2019-20 में 75,854 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को मिला। 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपए मिला। 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपए मिले। वहीं 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपए मिले। ये पैसे सीधे उनके खाते में भेजे गए। सरकार ने कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस राज्य में गन्ने पर कितना मूल्य है। वहीं हरियाणा में गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल है, पंजाब में 380, उत्तराखंड में 355, उत्तर प्रदेश में 350, वहीं बिहार में 335 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट रखा गया है। आपको बताते चले कि किसानों ने अपना दिल्ली चलो मार्च शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आंदोलनकारी किसान अब शंभू बॉर्डर पर शांत रहकर आगे की रणनीतियां बनाएंगे और फिर शुक्रवार शाम को इसका ऐलान करेंगे। किसानों का दिल्ली मार्च टलना और सरकार की ओर से देर रात गन्ने की कीमत बढ़ाने की घोषणा करना, इस पर काफी लोग अब कयास यही लगा रहे हैं कि दोनों पक्षों में बीच के रास्ते पर क्या कोई सहमति बनी क्या।